हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 13 इयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे होम रेमेडीज बताऊंगी जिससे आपके दांत का दर्द बिल्कुल 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, आज कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको देने वाली हूँ, तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दर्द होता है जो बिल्कुल असहनीय दर्द होता है, बिल्कुल सहन में नहीं होता है, तो ये दांत दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसा दर्द नाइट टाइम में होता है। अगर आपके दांत पे कोई इन्फेक्शन है और उसका पेन आपको मोस्टली नाइट टाइम में महसूस होगा, रात को ही महसूस होता है। ये इस टाइप का पेन होता है कि आपके सर तक जाएगा, कान तक जाएगा एंड कभी कभी आपके थ्रोट तक भी जाता है। तो अगर आपको ऐसा पेन है तो और उस टाइम पे कोई मेडिकल शॉप ओपन नहीं है, या फिर आप ट्रेवल कर रहे हो, घर से बाहर हो, कोई मेडिसिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल होम रेमेडीज आपको बताने वाली हूँ एंड इसको अपने घर में ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका पेन कम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे नंबर वन जो होम रेमेडीज है वो है लौंग, यानी कि क्लोव। क्लोव में एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है एंड ये आपके दांत के इन्फेक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म कर देता है। तो आपको सही तरीके से क्लोव कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्लोव, अगर आपके पास साबुत क्लोव है तो उसको 2 या 3 क्लोव आप ले लीजिए, उसको बारीक पीसिए। बारीक पीसने के बाद उस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप मिला सकते हैं, 1 या 2 ड्रॉप मिला सकते हैं एंड उसके बाद हल्का सा नमक डाल देना। तो ये तीनों चीज़ जब अच्छे से मिला लोगे तो उसको उस एरिया में लगाना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। सपोज करो आपके दांत के ऊपर आपको पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कॉटन पैलेट लेना है, यानी कि छोटी सी कॉटन की रुई बनानी है, रुई लेनी है एंड उसको उस जगह में लगाना है एंड उसको वैसे ही दबा के रखना है एटलीस्ट फॉर द 10 to 15 मिनट। आप देखो कि आपके दांत का दर्द विद इन 2 to 3 मिनट में कम होना शुरू हो जाएगा एंड ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बेस्ट होम रेमेडीज होती है, मोस्टली लोगों का पेन इसी से ही कम हो जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर आपके पास क्लोव का ऑयल है, किसी किसी के पास होता है, घर पे रखा होता है, नहीं है तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं, क्लोव ऑयल मिलता है, उसको भी आप इसी तरीके से कॉटन की हेल्प से अपने दांत पे लगा सकते हैं एंड आप अपने दांत के दर्द को तुरंत कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडीज है गुआवा। तो गुआवा में भी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है, माउथ में बैक्टीरिया है उसके लोड को कम कर देंगे। तो आपको क्या करना है, गुआवा की पत्तियों को अच्छे से उबालना है। जब ये 10-15 मिनट तक अच्छे से उबल जाएगा और इसका जो पानी है वो बिल्कुल थोड़ा सा बच जाएगा, यानी कि इसको एक तरीके से काढ़ा आपको बनाना है। जब ये काढ़ा बन जाएगा तो उसको आपको छान के कूला करना है। दिन में 2 बार आप कूला कर सकते हो, 2 टाइम आप कूला कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके जो दांत का दर्द है वो इमिडिएटली कम हो जाएगा, आपको रिलीफ आना महसूस हो जाएगा। नेक्स्ट होम रेमेडी है फिटकरी। फिटकरी बहुत अच्छे से, फिटकरी के बहुत अच्छे गुण होते हैं दांतों में एंड फिटकरी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे दांतों के बारे में बात बता रही हूँ। तो दांतों में भी आपको इसी तरीके से यूज़ करना है। फिटकरी का पाउडर लेना है और उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल आप मिलाना है एंड उसको मिला के आपको दांत के उस एरिया में लगाना है जहाँ पे आपको पेन हो रहा है। तो इस तरीके से आप लगा के रखोगे तो आपका दांत का दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा। आप चाहे तो फिटकरी के पानी से कूला भी कर सकते हैं, इसकी भी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके दांत में बैक्टीरिया को कम कर सकता है। तो ये सारी होम रेमेडीज आप ट्राई जरूर करें, इनमें से कोई से भी होम रेमेडी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक था। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।